बहुत अच्छा ये कदम यहाँ पे, मैं समझता हूँ कई चीज़ें यहाँ पे लोग जब पोल पनामसी से थक चुके थे यहाँ पे, उनकी आवाज़ें सुन सुन के उनके कान पक गए थे, तो फिर मनमोहन सिंह जी का इस वक्त का दौरा, चाहे वो चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स की बातें यहाँ पे सुन के हो, रेफ्यूजीज़ के इशू की बातें यहाँ पे हो, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लासेस की बातें हो, और बॉर्डर बेल्ट के रहने वाले लोगों की अपनी दिक्कतें यहाँ पे हैं, इन सब चीज़ों की समस्या का समाधान निकालने के लिए मनमोहन सिंह जी ने ये दौरा यहाँ पे लगाया, और उसमें हर एक साथी को मौका यहाँ पे दिया गया, जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो अपनी बात यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे अगर रिफ्यूजी की बात करें तो जो वादे किए गए थे जिसमें मनमोहन सिंह जी 25 लाख रुपये वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से देना चाहते थे, आज की सरकार ने उसको 5.5 लाख रुपये तक महदूद किया, जहाँ पे 5 मरले के प्लाट की बातें थी रिफ्यूजी की बॉर्डर बेल्ट है वो कहीं पर भी देखने को यहाँ पर नहीं मिली, जो रोज़गार की बातें करते हैं 2 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार मिलेगा वो भी देखने को नहीं मिली, और जम्मू कश्मीर में लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम की जो पोजीशन है यहाँ पे मैं समझता हूँ वो सारी चरमरा गई है, इन सब का ध्यान सिर्फ कश्मीर तक रहा और जम्मू और लद्दाख टोटली इग्नोर हो गया, चाहे नौकरियों के सिलसिले में भी हो, पब्लिक सर्विस कमीशन की हालत, तो हर एक चीज़ की वो जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ पे आएगा, हर एक जो डेलीगेशन होगा अपनी अपनी बात उस वहाँ उन तक रख सकेगा।